नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज का जो एमपी पटवारी का जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो दोस्तों, हम लोग टोटल जीके के क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में जो कि आज पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मांडू में रीवा कुंड में बाज बहादुर से किसने प्रेम की थी? तो वो हो जाएगा रानी रूपमती। अगला, इंडिया के पहले टीवी धारावाहिक का नाम क्या है? तो वो है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो सौभाग्य योजना है का उद्देश्य है 2019 तक घर घर बिजली, हर घर में बिजली। अगले, CSIR प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो CSIR के प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉकी इंडिया लीग 2017 का प्रायोजक कौन सी कंपनी है? तो वो हो जाएगा कोल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। एक क्वेश्चन आया था कि ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना कब हुई? तो ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना हुई थी 1969 को। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो वो है जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला, नीमच जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। अगला, गोलकुंडा वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा जो वंश है उसकी स्थापना की थी कुली कुतुब शाह। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2017 को ICC रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन सी टीम है? तो ये भारत। अगला, टीकमगढ़ में कुंड देव महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ओरछा में। अगला, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो स्थित है जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंडोला महल व जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मांडू में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि जहाज महल कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के मांडू में है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा है पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजी लाल दुबे। अगला, लोकसभा किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो लोकसभा जो स्थापित की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थापित की जाती है। एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? तो ये की थी 14 मार्च 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू मंडल कहाँ है? तो मांडू जो मंडल है वो है धार में। एक क्वेश्चन था कि एमपी के प्रथम वक्ता थे, ये क्वेश्चन था एक। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला, जिला परिषद को कौन भंग करता है? तो इसका भी आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन था कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 को। अगला, लाल मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। तो दोस्तों, एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन जो आज पूछे गए। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मांडू में रीवा कुंड में बाज बहादुर से किसने प्रेम किया था? तो रानी रूपमती। अगला, इंडिया के पहले टीवी धारावाहिक का क्या नाम है, क्या नाम था? तो इंडिया का जो पहला, जो भारत का जो पहला टीवी धारावाहिक था उसका नाम था हम लोग। अगला, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था? तो 2019 तक हर घर में बिजली जाना। अगला, CSIR प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग 2017 का प्रायोजक कौन सी कंपनी है? तो ये हो जाएगा कोल इंडिया। अगला, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। अगले क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो वो है हमारा ग्रामीण
विद्युतीकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में। अगला, नीमच जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो ये करता है राजस्थान के साथ। अगला, गोलकुंडा वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुली कुतुब शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2017 को आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन सी टीम है? तो वो है भारत। अगला, टीकमगढ़ में कुंडदेव महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये ओरछा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमपी हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो एमपी हाईकोर्ट स्थित है जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला, हिंडोला महल व जहाज महल कहाँ पर है? तो ये है मांडू में। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजी लाल दुबे। अगला, लोकसभा किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? तो 14 मार्च 2005 में की थी। एक और क्वेश्चन था कि मांडू मंडल कहाँ है? तो ये है धार में। एक था क्वेश्चन एमपी के प्रथम वक्ता थे, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि जिला परिषद को कौन भंग करता है? और एक क्वेश्चन आया था कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 को। अगला, लाल मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लाल मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मिजोरम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ।